उत्तर प्रदेश के हरदोई में रहने वाले दिव्यांग युवक नंदराम ने अपने दृढ़ संकल्प से मिसाल कायम की है। आशा गांव में रहने वाले नंदराम जन्म से ही दिव्यांग हैं और वे मुंह से पेंसिल पकड़कर बेहतरीन तस्वीरें बनाते हैं। मुंह से ड्राइंग बनाते हैं, अन्य बहुत ड्राइंग बनाई हैं। आज हमने बहुत सी ड्राइंग बनाई है और हम बहुत से हैं ऐसे कार्य जो हम कर लेते हैं। राशन वितरण पॉस मशीन होती है वो भी हम चला लेते हैं और भजन भी गा लेते हैं। सिंग और आर्टिस्ट है और हमें भगवान की तरफ से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और माँ बाप हमारी सहायता करते हैं। इन्हीं के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं और हमें भाजपा नेत्री सुहाना जैन है जो मैम है उन्होंने हमें अडोप्ट किया, उन्हीं के आगे से हम पढ़ रहे हैं। बीते 15 सालों में नंदराम ने हर दिन अपनी कला को निखारा है और अब वे किसी की भी बेहतरीन तस्वीर बनाने में सक्षम हैं। परेशानी तो काफ़ी है, अब जन्म से ही विकलांग है, इनका उल्टा ही जन्म हुआ है। और मैं फिर जब इनका जन्म हुआ तो मैंने दिल्ली में काफ़ी इलाज कराया और कराने के बाद फिर उन्होंने मना किया, फिर घर पर अपने लाए और ये मशीन भी चलाते हैं, ड्राइंग भी बनाते हैं और हमारे घर पर कोटा है तो KYC भी करते हैं और ये हर एक चीज़ मुंह पेन दबा के सब कुछ कर लेते हैं, चाय खाना सब। अपनी कला के अलावा नंदराम अपने दिव्यांग समुदाय में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राशन बांटने के लिए एक डिजिटल मशीन का संचालन करना, नेट बैंकिंग का प्रबंधन करना और यहां तक कि गांव के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। गांव में होता है रिचार्ज वगैरह कराना, एक्स्ट्रा पे लेते हैं, बट नंदराम ने सोचा कि ये सब चीज़ें ना करके मैं घर में ही अपना ऑपरेट करूं, तो कल नंदराम ने अपना फ़ोन पे वगैरह भी चलाया और यहाँ तक कि ड्राइंग भी इतनी अच्छी करते हैं, मुझसे भी अच्छी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो बनाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये घर में करते रहते हैं, तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हम चाहते हैं कि देश दुनिया में नंदराम फैले। नंदराम की असाधारण प्रतिभा ने कई लोगों को उनका मुरीद बना दिया है। नंदराम ने कई मशहूर शख्सियतों की तस्वीरें भी बनाई हैं। जो लोग अपने आप को असहाय मानते हैं उनके लिए नंदराम प्रेरणा स्रोत हैं।